बीजेपी विधायक के भाई के कार्यालय में तोड़फोड़, चार युवकों को पुलिस ने ली हिरासत में। फिरोजाबाद में पति बना क्रूर, पत्नी को मारकर किया अधमरा। यूपीपी परीक्षा में परीक्षार्थी के स्थान पर बैठा दूसरा युवक। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूँ आपके साथ अनन्या मिश्रा। महाराष्ट्र के कल्याण में बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड के भाई व पूर्व पार्षद अभिमन्यु गायकवाड के कार्यालय में तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। इस घटना के बाद कोलसेवाडी पुलिसों ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है, मामला दर्ज कराकर वहीं 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार कल्याण पूर्व तिसगांव इलाके में अभिमन्यु गायकवाड का केबल नेटवर्क ऑफिस है, जहां शाम को ऑफिस के सामने एक कर्मचारी की गाड़ी खड़ी हुई है। इस गाड़ी के पास नशे में धुत दो युवक आए और गाड़ी में चाबी लगाने लगे। तभी कर्मचारियों को संदेह हुआ कि दोनों चोरी कर रहे हैं। कार्यालय के कर्मचारियों ने दोनों युवकों से पूछताछ की। इस बात को लेकर दोनों युवकों और कर्मचारियों के बीच में झगड़ा हो गया। इसके बाद दोनों सीधे कार्यालय में घुस गए और अपने 4 से 5 दोस्तों को बुलाया और कर्मचारियों की पिटाई करके कार्यालय में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कोलसेवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तहकीकात शुरू कर दी। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के मैनपुरी रोड गार्डेनिया इंटर कॉलेज के सामने विष्णु नाम का एक युवक रहता है। उस युवक ने उड़ीसा से 8 साल पहले राधा नाम की युवती से शादी कर लाया था। विष्णु लगातार अपनी पत्नी को पीटा करता था। पत्नी के चीख चिल्लाहट से अगल बगल के पड़ोसी पुलिस को सूचना दे दी है। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अधमरा हालत में मिली पत्नी को अस्पताल उपचार के लिए भिजवाया। उसके बाद पति विष्णु को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। इसके पति ने 4 दिन गार्डन या स्कूल 4 दिन से इसको बंद किया और बराबर मार रहे थे। मौलवान ने गेट खुलवाया, नहीं खोला। हम कल आए थे, गए थे जेलो, नहीं गेट खोला। फिर लौट आए थे जेलो, गेट नहीं खोला। चाकू से और बेंचों से मारा। मेरी चाची है और चाचा मेरे रोज मार रहे 4 दिन से बराबर कमरे में बंद करके। और पुलिस में भी याद रिपोर्ट दी थी थाने में, तो वो लोग आए थे कल, गेट नहीं खोला और वो लौट आए थे। आज ये बाहर निकल आए तो क्या कहते हैं, पकड़ लिया तुरंत ही। बहुत बुरी हालत कर दी है, मार मार के। कितने दिन से मार रहे हैं? 4 दिन से। 4 दिन से घर में बंद करके मारा है। ये आखिर कार्ड क्या है इसके पीछे जो मान रहे हैं? वो नशे पत्ते में रहता है 24 घंटा। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के ढोलीपुर गांव निवासी प्रशांत कुमार, जो पुलिस आरक्षित भर्ती परीक्षा में उम्मीदवार था, उसका सेंटर जिले के रानी की सराय के राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज सेठवल पर गया था। बीते दिन शनिवार की बात है, जहां पर शाम को दूसरे पाली में परीक्षा थी उसकी। उसने अपने स्थान पर बिहार प्रांत के मधुबनी जिला के आंध्रा मठ थाना अंतर्गत रोहाही गांव निवासी राजेश कुमार यादव को परीक्षा देने के लिए बैठाया था। परीक्षा के दौरान मुन्ना भाई राजेश कुमार यादव को केंद्र व्यवस्थापक डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने पकड़ लिया, जिसके बाद राजेश को तत्काल पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं प्रशांत की तलाश में पुलिस जुट गई। प्रशांत जो सिधारी थाना क्षेत्र के हथिया गांव के अपनी बुआ के घर रुका हुआ था। बताया गया कि सोमवार को पुलिस प्रशांत के ढोलीपुर स्थित घर पर गई, जहाँ से उसके बड़े भाई को पूछताछ के लिए ली गई। इसके बाद प्रशांत ने बुआ के घर पर ही एक टीन शेड कमरे में चादर के सहारे फंदे से लटक गया। उसके बाद सूचना पर घर वालों के साथ ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला गढ़ैया में बंद मकान का ताला तोड़कर मकान में प्रवेश कर लाखों की चोरी कर ली गई है। चोरी की घटना की जानकारी तब हुई जब लोग शादी समारोह में लौट कर आए तथा मकान मालिक ने मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ देखा। साथ ही अंदर कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। वहीं लोगों ने इसकी सूचना थाना पुलिस को दी। जानकारी पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पास में लगी सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किए। मकान मालिक द्वारा करीब 10 से 12 लाख की चोरी बताई जा रही है। पालीवाल है, मैं पालीवाल ब्राह्मण सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। आज को थाने में आए आप? हमारे क्या नाम है, जो पालीवाल समाज के राजीव मुदगल है, उनके यहाँ चोरी हुई है।
और उन्होंने हमें सूचना करी तो मैं उनके पास गया और करीब लाखों रुपए की चोरी है, पर पूरी जो कितने की वही है वो राजी मुदगल ही बताएंगे। क्या पुलिस ने आश्वासन दिया आपको? पुलिस वहाँ गई थी और चेक करके आ गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आशियाना के पावर हाउस चौराहे का नाम बदलकर महावीर स्वामी चौक करते हुए मंगलवार को इसका लोकार्पण किया गया। आपको बता दें, मंगलवार को दिगंबर जैन सेवा समिति आशियाना के तत्वाधान में तीर्थकार महावीर स्वामी चौक पर अहिंसा कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण हुआ। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक की धर्म पत्नी नम्रता पाठक ने फीता काट कर उसका लोकार्पण किया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जैन ने बताया कि अवध क्षेत्र में सार्वजनिक चौराहे पर लगने वाला यह प्रथम कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ जैन धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म एवं जियो और जीने दो का संदेश देता है। इस पर भगवान महावीर के संदेश को भी दर्शाया गया। इस चौराहे का नाम वास्तव में दिगंबर महावीर स्वामी चौक 2018 में हुआ था, लेकिन तमाम लोगों की अनुमति के कारण और इस पर कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो कि भगवान महावीर के लिए है वो नहीं हो पा रहा था। आज दिनांक 20/2/2024 को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ब्रजेश पाठक जी द्वारा इसका विधिवत लोकार्पण हुआ है और इस कीर्ति स्तंभ में भगवान महावीर के संदेशों को उकेरा गया है, जिसमें मुख्य रूप से अहिंसा ही परमो धर्म जो जैन धर्म का मूल मंत्र है वो उसको दर्शाया गया है। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए TB24।